हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्पल का हॉल लेकर के आई हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट मंगवाए थे और सारे की रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर। गाइस, जो मेरा पहला प्रोडक्ट है वो मैंने NYBA का ये कॉम्पैक्ट पाउडर मंगवाया था और मेरा सेड है इसमें वन पैल आइवोरी। आप देख सकते हो इसको ना, ये बहुत सारे सेड में अवेलेबल है, तो आप अपने सेड के अकॉर्डिंग भी ये बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है, मेरे स्किन टोन से मैच करता हुआ ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। मैं ना सारे के रिव्यू आप लोगों के साथ, आप देख सकते हो इसका अच्छा सा टेक्सचर है, बहुत ही पाउडरी नहीं है और काफ़ी अच्छा है, मुझे पर्सनली पसंद आया। तो NYBA का ये फर्स्ट कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने बाय किया था पर्पल से और मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिला था। नेक्स्ट गाइस, जो मैंने मंगवाया था वो NYBA का ये फाउंडेशन है। इसके साथ मैंने अपना एक मेकअप वीडियो भी डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के एक बार ज़रूर चेकआउट करना। वो वीडियो मैंने इसमें डाल रखा है, तो इसकी कवरेज उसमें सब कुछ दिखाया हुआ है, बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका सेड है गाइस मेरा 8 White Coffee और ये भी 30 ml का रिसीव होता है और इसका प्राइस है 229 rupees, बट मुझे ये डिस्काउंट में मिला तो मुझे ये भी काफ़ी सस्ता मिला। आप देख सकते हो मेरे स्किन टोन का काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। ये ना मीडियम कवरेज देता है, हाई कवरेज नहीं है, मीडियम कवरेज है, बट बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ईजिली ब्लेंड होता है। मैं फिंगर से ब्लेंड करके दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, काफ़ी अच्छा है, मुझे पर्सनली ये काफ़ी पसंद है। तो इसको भी आप चाहो तो बाय कर सकते हो और इसके भी बहुत सारे सेड अवेलेबल हैं। और पर्पल में अभी न्यू मैंने देखा था, उसमें ट्राई ऑन था, तो आप खुद के ऊपर ट्राई करके भी देख सकते हो कि कौन सा सेड आपको सूट कर रहा है, देन आप इसको भी बाय कर सकते हो। गैस, मैंने जो नेक्स्ट मंगवाया था वो है NYBA का ये प्राइमर, और ये प्राइमर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा ऑलमोस्ट ये डन होने वाला है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया था, मैं ये प्राइमर दिखाती हूँ आप लोगों को, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। आप देखो बहुत अच्छा प्राइमर है, स्पेशली ना ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा प्राइमर है, बहुत अच्छा प्राइमर है। इसको अप्लाई करने के बाद आप अपना मेकअप लगाते हो तो आप ये आपके मेकअप को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो ये प्राइमर भी डेफिनेटली मैं आपको बोल सकती हूँ कि इसको भी आप डेफिनेटली ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक और प्राइमर मंगवाया था, वो है SQ का, स्टे क्वेरी का ये है, और ये वाला प्राइमर 199 का है, ये भी मुझे डिस्काउंट में 99 rupees में रिसीव हुआ था। तो पर्पल पे गाइस सेल चलते रहती है, तो आप सेल के टाइम अगर इसको बाय करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ गाइस ये वाली इसकी ये लगी हुई थी, बट साथ में इसका एक दिया हुआ था ये पंप, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ना अप्लाई करना बहुत ईजी है और काफ़ी अच्छा है, इसको मैंने एक बार यूज़ किया, आप देख सकते हो। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है स्पेशली, हाँ ये प्राइमर ना ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट प्राइमर है। तो इतने कम प्राइस में आप अगर कोई अच्छा सा प्राइमर ढूंढ रहे हो ना, तो ये दो प्राइमर मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप, ये दोनों डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, काफ़ी लो प्राइस में आपको मिल जाएगा और पर्पल में अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ये दोनों प्राइमर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, जो मैंने लिया था वो है NYBA का ये कंसीलर और कॉन्टोर स्टिक भी आप बोल सकते हो। इसमें भी बहुत सारे सेड अवेलेबल हैं, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। गाइस ये भी काफ़ी अच्छा सा कॉन्टोर, मैं इसको अपने कॉन्टोर सेट का मैंने इसको बाय किया था, तो आप देख सकते हो मेरे कॉन्टोर सेट में ना ये काफ़ी अच्छा था और कॉन्टोरिंग करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारे मैंने ना ये NYBA के प्रोडक्ट अपने मेकअप वीडियो में डाल रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेकअप वीडियो देखना, आपको सारे की डिटेलिंग रिव्यू उसमें मिल जाएगी। तो ये वाले ये अच्छा कॉन्टोरिंग सेट मैंने मंगवाया था, अगर आप चाहो तो इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, और एज अ कंसीलर अप्लाई करने के लिए आप इसको कंसीलर के स्किन टोन से मैच करते हो, आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, इसको भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट गाइस, जो मैंने मंगवाया था वो है फेव सीक्रेट्स का ये प्रो कंसीलर है, और इसमें ना कॉम्बो में मुझे मिला था ये तीनों का सेट, और मैं आप लोगों के साथ तीनों का रिव्यू शेयर करती हूँ। ये मैंने कलर करेक्टर मंगवाया था और इसमें मुझे 3 shades मिला, एक कंसीलर सेड है, एक ऑरेंज कलर करेक्टर है और एक ग्रीन कलर करेक्टर है। मैं आपको एक का रिव्यू शेयर करके दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा वाला है और अच्छा कवरेज देता है, मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस इसको अप्लाई करके। सबसे अच्छी बात है ना इसके साथ ना, इसके ट्यूब में आप देख सकते हो एक ब्रश भी मिलता है, और ब्रश के ये से ना वेस्ट नहीं होता, ये सही रहता है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो अच्छे से। और इसकी कवरेज मैं दिखा देती हूँ ग्रीन वाले का,
मैंने ग्रीन वाला आपको दिखा, आप देख सकते हो गाइस मस्त कवरेज है इसका। अगर आप लो प्राइस में कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो कलर करेक्टर, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। आपने देख आप देख सकते हो, मैंने ना अपने हाथ में मेहंदी लगा रखी थी और उसके ऊपर से मैंने इसको अप्लाई किया है, तो ये अच्छा है। इसको आप लो प्राइस में चाहो तो इसको आप बाय कर सकते हो। इसकी 3 कलर की कॉम्बो सेट थी और ये भी आपको मिल जाएगा सेल में, अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाते हैं और सेल पर्पल में ऑलमोस्ट सेल आते ही रहता है, तो आप अच्छे से इसको देख करके बाय कर सकते हो लो प्राइस में। नेक्स्ट मैंने जो मंगवाया था गाइस वो है स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर ब्लश पैलेट है, और इसका जो प्राइस है गाइस ये 549 का है, बट मुझे सेल के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो ये मुझे 400 में मैंने इसको बाय किया था और मुझे ये भी काफ़ी पसंद आया। और ये ना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वाला हाइलाइटर और ब्लश पैलेट है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ गाइस। ये स्विस ब्यूटी का जो मैंने हाइलाइटर ब्लश पैलेट मंगवाया था, इसमें भी ना 2-3 सेट्स थे अलग अलग कलर के। मैंने अपने स्किन टोन के हिसाब से इसको मंगवाया था। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हाइलाइटर कलर है, और इस एक पैलेट को मंगवा करके ना आप कोई भी स्किन टोन के फेस पे आप इससे मेकअप कर सकते हो। इसमें आपको ब्लश का ना 4 शेड मिल जाता है। मैं 4 शेड आपको ब्लश का ये दिखाती हूँ। 4 शेड मैंने यहाँ पर लिया है और मैं आपको इसको अपने फिंगर से अप्लाई, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत अच्छा ब्लशर है। और इसके साथ ही आपको इसमें 4 हाइलाइटर कलर भी मिल जाता है, जिससे आप डस्की स्किन टोन, डार्कर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन या फेयर स्किन टोन के ऊपर भी आराम से मेकअप कर सकते हो। इसके भी मैं सेट्स आप लोगों को दिखा देती हूँ, देख सकते हो काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छा वाला हाइलाइटर है। मेरे फिंगर पे अभी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप कोई अच्छे लो प्राइस में कोई अच्छा सा हाइलाइटर ब्लशर जो एक ही पैलेट में आपके सारे मेकअप के प्रोडक्ट आ जाए आप चाहते हो, तो ये वाला डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली थी और जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है NYWay का ये आई काजल। ये काफ़ी अच्छा आई काजल है और इसके साथ ही ना इसको आप एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ था वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, तो हाँ डेफिनेटली ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है। मैंने इसको अप्लाई किया है और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दूँ, आप देख सकते हो मैंने इसको अप्लाई भी किया है और काफ़ी अच्छा, इतना अच्छा इसका ये देता है ना गाइस, इसकी जो टेक्स्चर है ना आप देख सकते हो, वन स्मच में ही ना देखो आप कितना पिगमेंटेड है, बहुत जल्दी ये आता है। और दूसरी नंबर बात, इसको ना आप अपने आईब्रो को डिफाइन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको ना अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो आपको यहाँ पे अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको डेफिनेटली ऐसे अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कितना सुंदर सा ग्लोइंग आपको ये इफेक्ट देगा और काफ़ी खूबसूरत सा लगेगा इसको आप। और बहुत कम प्राइस में है, इतने प्राइस में अगर इतने कम प्राइस में आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। आप देख सकते हो, आप ढूंढ रहे हो आपको बाय करना है तो आप ये ले सकते हो। दूर से ही आप देख सकते हो कितना ग्लोइंग इफेक्ट देगा ये, और बहुत अच्छा है। अगर किसी के पास है और किसी ने यूज़ किया तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया। तो गाइस ये सारे प्रोडक्ट थे जो मैंने पर्पल से बाय किए थे और सारी की रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाकर के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।